जय हर सिंह। धवल जी बोल रहे थे कि इधर जो जितने भी लोग बैठे हैं आप इनसे गगन जी और मैं धन्यवाद दूंगा। कैलाश जी को बहुत शानदार प्लान शो दिखाई है, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियों ना कर लें। गगन जी के लिए, धवल जी के लिए और ऐसे सरंगी जी के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए है। और सभी लोग आप देखे होंगे, सभी लोग आज स्टेज पे है एक संकल्प की वजह से। यस, शुरुआत तो बहुत सारे लोगों किए थे लेकिन कितने सालों के बाद आज आरसीएम में अगर कुछ चंद लोग इस स्टेज में आते हैं तो ये चंद लोगों ही संकल्प किए थे, खुद को मजबूत किए थे कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे हालत जो भी हो जाए, हम आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल में आना ही आना है। और वो लोग आए हैं क्योंकि संकल्प एक ऐसा शक्ति है जिसका कोई विकल्प नहीं है। मैं इनके साथ एक छोटा सा आपको संकल्प के बारे में बता दूं। जब कृष्ण जी ने कंस को वध कर दिया, उसी समय कंस की ससुर जी जिसको जरासंध है बहुत बार उनको आक्रमण किया। यस, तो जैसे ही आक्रमण किए तो कृष्ण जी ने पूरे मथुरा वासी को बता दिए थे कि जब जरासंध आएगा उनके साथ मैं अकेला ही युद्ध करूंगा, और जरासंध को भी बता दिए थे कि मैं उनके साथ अकेला ही युद्ध करूंगा। तो वो अकेले जा रहे थे, अक्रूर जी उनके पास आए, बोले कि मैं मना कर दिया था, आप क्यों आए? बोले कि सर मैंने संकल्प कर दिया कि आपके साथ जाने के लिए मैं जाऊं क्या? तो कृष्ण जी ने बोले कि अगर आपने संकल्प कर दिए तो मुझे पूछते क्यों है? यानी कि भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं अगर इंसान को ऐसा पावर दिया गया है, अगर इंसान जो भी संकल्प कर देगा तो उसका विकल्प कुछ भी नहीं होगा, मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी संकल्प करते हो कि चाहे हालात जितना भी हो, चाहे हालात जो भी हो, एक दिन किसी जी संकल्प किए थे कि हिंदुस्तान को हमने आर्थिक आजादी दिला के ही रहूंगा, आज हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजादी होने वाला है। यस, बहुत सारे, ये तो राम की समय में भी रावण थे, हर समय कृष्ण समय में भी कंस थे, ये जमाना नहीं बदल जा सकता है। बस हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम किसी के साथ दे, हम डिसीजन लेना पड़ेगा। हर समय जिस समय रावण के साथ दिया करते थे उसी समय को कुछ क्षण के लिए बहुत आजाद रहते थे, लेकिन जीत तो राम के साथ वाले से होता था, जीत तो रामों के साथ वालों के साथ हुआ करता था। और दुनिया का हिस्सा ये आज भी रावण है, मार्केट में रावण है और राम आश्रम है। अगर आप अभी भी राम को साथ देंगे तो जमाना जीत आपके साथ होगा।